नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन, मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। आरआरबी एनटीपीसीआर रिजल्ट घोटाले की वजह से बिहार में दो दिन से लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर आंसू गैस तक छोड़ दिए गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है और आज भी यानी 26 जनवरी को भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जारी है। स्टूडेंट अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि गया में ट्रेन की बोगियों को भी जला दिया गया है। तो इसी बीच अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है आपको पहले वो बताते हैं। #student आप देश की वो अपने परिवार की उम्मीद है, भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्य के पक्ष में आपके साथ हूं और रहूंगा, लेकिन हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। अहिंसक विरोध से स्वतंत्रता ले सकते हैं तो अपना अधिकार क्यों नहीं। #NoFearNoViolence। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसीआर रिजल्ट घोटाले की वजह से स्टूडेंट जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने अब ये ट्वीट करके ये जताया है कि आप विरोध करें लेकिन अहिंसा के रास्ते पे चल के विरोध करें, ना कि हिंसा फैलाए, ना कि हिंसा करें, और अहिंसा के रास्ते पे चल के आप विरोध करें, आप प्रदर्शन करें लेकिन अहिंसावादी होकर हिंसावादी होकर नहीं करे। और राहुल गांधी का ये भी कहना है कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन आप अहिंसक होकर विरोध करें, हिंसा की रास्ते पर ना चलते विरोध करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया था और उन्होंने बीजेपी की कड़ी निंदा की थी। अपने शब्दों में ट्वीट करके बीजेपी कड़ी निंदा की थी। यूपी में भी प्रदर्शन जारी है, यूपी में भी स्टूडेंट्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और बिहार में भी लगातार स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रही हैं। गया में ट्रेन की बोगियां जला दी गई हैं, कई सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं और अभी तक ये प्रोटेस्ट जारी है। कुछ देर पहले ही रेलवे मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें सभी बातों को रखी गई, स्टूडेंट के पक्ष में ही उन्होंने सभी बातें कही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहता है। बाबू मोबाइल नीचे से करो, चलो